जमशेदपुर में रामनवमी से शुरू हुआ विवाद अंदर ही अंदर अचानक सुलग उठा और शनिवार को महावीरी झंडा उतारने के दौरान शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित जटाधारी हनुमान मंदिर के चौक पर झंडे के बांस में बंधे मांस के टुकड़े के बाद विवाद इस कदर भड़का कि रविवार देर शाम आते आते उसने हिंसक रूप ले लिया। शनिवार को जमशेदपुर के कर्मा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 स्थित जटाधारी हनुमान अखाड़े का झंडा उतारने के दौरान झंडे के बांस में मांस का टुकड़ा पाया गया था, जिसे पॉलिथिन में लपेट कर बांधा गया था, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो उठे और जमकर बवाल करने लगे। देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। हालांकि शनिवार को किसी तरह प्रशासन ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन रविवार को मंदिर कमेटी के लोग मंदिर में बैठक कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो उठे और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। हिंसा और आगजनी में कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए, दुकानों में आग लगा दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया। हिंसक झड़प में 5 से 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दूसरी ओर प्रशासन ने बढ़ती हिंसा को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी, साथ ही साथ जमशेदपुर में इंटरनेट सेवा भी अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रीबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।